गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज टू डी क्वेश्चन नंबर फाइव वर्क आउट दी फॉलोइंग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ लाइक एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनके अनदर नेम है ये एड का अनदर नेम सम सम्रैक्ट का अनदर नेम डिफरेंस मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट डिवाइड का क्वेश्चन अगर हमें ये वाले टर्म्स दिए जाते हैं तो वी डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज कि हमें क्या फाइंड करना उसमें ओके ए पार्ट द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू एट्स इन थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी एट इस नंबर में आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है जो दो एट हैं उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया क्या होगा सब्ट्रैक्शन ओके okay? तो पहले हम इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ एट इन टेंस जो टेंस प्लेस पे एट है उसकी प्लेस वैल्यू दैट इज एटी प्लेस वैल्यू ऑफ एट इन वंस प्लेस जो वंस प्लेस पे एट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी एट सो वी हैव टू फाइंड नाउ डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है सब करना है हमें तो इन दोनों की प्लेस वैल्यू को हम सब कर देंगे तो आंसर विलकम सेवेंटी टू क्लियर नेक्स्ट बी पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन दिस नंबर एंड इट्स फेस वैल्यू प्रोडक्ट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करना है प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन दिस नंबर इस नंबर में जो थ्री की प्लेस वैल्यू है पहले हम वो फाइंड कर लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन दिस नंबर इज थर्टी एंड इट्स फेस वैल्यू इट्स फेस वैल्यू मतलब इसी थ्री की फेस वैल्यू इस नंबर में पहले हमने प्लेस वैल्यू फाइंड की नेक्स्ट हम फेस वैल्यू फाइंड करेंगे फेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी थ्री नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे थर्टी मल्टीप्लाई थ्री थर्टी मल्टीप्लाई थ्री कैसे करेंगे आपने ये सेकेंड क्लास में भी रीड किया था कि हम शॉर्टकट तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स के बीच में जो भी जीरो होते हैं उनको हम हाइट कर लेते हैं जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जितने नंबर्स हाइट किए हैं जीरो उतने जीरो हम प्लेस कर देंगे आंसर में तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन एंड वन ज़ीरो हाइड किया था तो आंसर में वन ज़ीरो क्लियर सी पार्ट द क्वेश्चन वैन द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन दिस इज डिवाइडेड बाई इट्स फेस वैल्यू क्वेश्चन फाइंड करना है मतलब हमें क्या निकालना है इनके बीच में डिवाइड करना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन दिस नंबर इस नंबर में सिक्स की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन दिस नंबर विल बिकम सिक्स इज डिवाइडेड बाय इट्स फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू सिक्स की इसी नंबर में क्या हो जाएगी सिक्स अब क्वेश्चन फाइंड करना है क्वेश्चन मतलब हमें डिवाइड करना है तो सिक्स डिवाइड बाई सिक्स विल बिकम आंसर वन नेक्स्ट इज डी पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर प्रोडक्ट अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई हम दोनों की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी फेस वैल्यू निकाल लेंगे प्लेस वैल्यू फाइव की फिफ्टी फेस वैल्यू नाइन की नाइन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई नाइन दैट विल बिकम फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्स्ट इज ई पैड द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द ग्रेटस्ट फोर डिजिट नंबर ग्रेटस्ट फोर डिजिट नंबर डू यू नो हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटस्ट कितने भी डिजिट का नंबर हो ग्रेट ऑलवेज कम्स नाइन अब ग्रेटेस्ट वन डिजिट होगा तो वन टाइम नाइन ग्रेटेस्ट टू डिजिट होगा तो टू टाइम्स नाइन ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट होगा तो थ्री टाइम्स नाइन अब यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बताना था तो फोर टाइम्स नाइन ओके दैन वी हैव टू फाइंड द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर द नंबर जस्ट आफ्टर विल बिकम आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियो जस्ट आफ्टर निकालने के लिए वी हैव टू एड वन तो इस नंबर में हम वन ऐड कर देंगे ऐड करने के बाद आंसर क्या है हमारा टेन थाउजेंड तो आंसर विल बिकम टेन थाउजेंड आई होप क्वेश्चन नंबर फाइव इज क्लियर टू एवरी वन ना वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द गि डिजिट्स जो हमें डिजिट्स दिए हुई हैं उससे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यहाँ पे हमारी डिजिट्स गिवेन है फोर इससे ग्रेटेस्ट एंड स्मालेस्ट नंबर बनाएंगे देखिए कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करना होता है जो भी डिजिट्स गिवेन है ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा सबसे बड़ा के लिए सबसे बड़ी डिजिट इनमें से कौन सी है सिक्स पहले सिक्स लिख ली उसके बाद कौन सी है फाइव उसके बाद थ्री उसके बाद टू मेक श्योर यू डोंट हैव टू राइट द कॉमा बिटवीन दीज डिजिट्स क्यों क्योंकि यहाँ हमें डिजिट्स की बन थी अब हमें बनाना है नंबर नंबर बनाने के लिए कभी भी हम बीच में कॉमा राइट नहीं करते हैं तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर सिमिलरली छोटे से बड़े के ऑर्डर में हम डिजिट्स को अरेंज कर देंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट कौन सी है टू देन थ्री देन फाइव एंड देन सिक्स फोर डिजिट का नंबर बन गया हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्लियर दिस इज द केस वेन देर इज़ नो जीरो जब इनमें डिजिट्स में कोई भी जीरो ना हो लेकिन जब एक जीरो आ जाता है तब हम कैसे फॉर्म करते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जैसे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लेंगे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है सेवन आफ्टर दैट फाइव आफ्टर दैट वन आफ्टर दैट जीरो दिस विल बिकम द ग्रेटेस्ट नंबर एंड फॉर स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू राइट सी चेक करिए इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जीरो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर उसके बाद वन उसके बाद फाइव एंड उसके बाद सेवन लाइक दिस बट अगर हम सबसे पहले जीरो लगाते हैं तो ये तो हमारा थ्री डिजिट का नंबर बन गया बिकॉज पहले जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती तो हम क्या करेंगे जीरो के बाद जो बड़ा नंबर है पहले वो लिखेंगे फिर सेकेंड नंबर पे ऑलवेज कम जीरो एंड देन फाइव एंड देन सेवन तो ये मेथड हमारा रॉन्ग है एंड दिस वन इज करेक्ट मेथड आई होप आप सब आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ईजिली सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय